और इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबोधित कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री, आपके लोकप्रिय विधायक भाई विनय भगत जी, भाई लालजीत राठिया जी, विधायक धर्मदेवगढ़ अध्यक्ष मध्य क्षेत्र प्राधिकरण, भाई प्रकाश नायक जी विधायक रायगढ़ उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण, भाई चक्रधर सिंह जी विधायक लहलूंगा, आदरणीय भाई गिरीश दयाल जी, भाई विनोद वर्मा जी, पूर्व विधायक भाई भानु प्रताप सिंह जी, भान आरती सिंह जी, भाई पवन अग्रवाल जी, फुलकेरिया भगत जी, शेखर त्रिपाठी जी, मनोज सागर यादव जी, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी जसपुर, भाई संजीव भगत जी, प्रमोद गुप्ता जी, अजय गुप्ता जी, रत्ना पैकरा जी, किरण कांति सिंह जी, दुर्गा अंसारी जी, राजेश भगत जी, रवि शर्मा जी, शास्त्रांशु पाठक जी, योगेश जी, अभिषेक जी, कल्पना लकड़ा जी, शशि भगत जी, अनिल स्पोटा जी, आदि शंकर त्रिपाठी जी, अरविंद साय जी, मंच में बैठे सभी उपस्थित अतिथिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, युवा साथियों, विभिन्न संगठन के हमारे सब साथीगण, हमारे सभी अधिकारीगण, पत्रकार साथीगण, उपस्थित नहीं और सज्जनों, आज लगभग 800 करोड़ रुपए का भूमि पूजन हुआ है। भूमि पूजन और लोकार्पण, जैसा कि उमेश जी कह रहे थे कि जसपुर के इतिहास में इतनी बड़ी राशि के लोकार्पण और भूमि पूजन शायद हुआ हो। मैं इस बात को कहने से पहले जसपुर के मतदाता भाइयों और बहनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि 33 साल बाद यहां कांग्रेस का विधायक बना। इसके लिए मैं हाथ जोड़ के सभी जसपुर के मतदाता भाइयों बहनों को प्रणाम करता हूं, साथ ही जिले के भी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने तीन तीन विधायक मुझे आपने दिया। इसलिए जसपुर जिले के सभी मतदाता भाइयों बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। आसान नहीं है विपरीत परिस्थिति में सीना तान के खड़ा होना, उसे संघर्ष करना, लेकिन वो आपने कर दिखाया और आज हमारे तीनों विधायक राम पुकार सिंह जी बहुत वरिष्ठ, स्वास्थ्यगत कारण से वो नहीं आए, आरती सिंह जी आई हुई है, भाई यूडीबीन के पारिवारिक कारण से वो नहीं आ पाए, उनके माता जी की कुछ तबीयत खराब है, जल्दी वो ठीक हो, स्वस्थ हो, यही ईश्वर से कामना करते हुए जसपुर जिला बहुत खूबसूरत जिला और उससे ज्यादा खूबसूरत यहाँ के लोग, बहुत सरल, बहुत सरल, बहुत ईमानदार और कितना स्नेह, कितना प्यार यहाँ के नागरिक नृत्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, वाद्य यंत्रों के माध्यम से जो आत्मीय स्वागत किया है, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये बात भी मैं कहना चाहता हूं कि ये इलाका पिछड़ा हुआ है, चाहे आवागमन के क्षेत्र में हो, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो, इसे पूरा करने का काम हम सबको बहुत तेजी से करने का अवसर आया है और इस दिशा में
हमने कदम बढ़ाए हैं। आज जो शिलान्यास हमने किया है ये उसी बात का प्रतीक है। लेकिन उसके साथ साथ जहां सड़क पुल पुलिया बनाना जरूरी है, वहीं जरूरी है लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करना, लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करना, जिसके बारे में भाई अमरजीत भगत ने जो बात कही है, हमारी सरकार है वो सात लघु वनोपज से बढ़ाकर 31 लघु वनोपज की खरीदी हम कर रहे हैं। और जब पूरे देश में लॉकडाउन था, अकेला छत्तीसगढ़ है, जब सारी दुकानें बंद थी, आवागमन बंद था, कोई आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, उस समय में हमारे सरकार ने स्व सहायता समूह के माध्यम से महुआ खरीदी की व्यवस्था की और 17 रुपए के बजाय 30 रुपए और 35 रुपए किलो में महुआ की बिक्री हुआ है। ये केवल छत्तीसगढ़ में, पूरे देश के जो लघु उपज संग्रह किया गया उसके 73% लघु उपज केवल छत्तीसगढ़ से हमने खरीदी की। क्यों? हम लोग जानते थे ये कोरोना काल है, कोरोना काल में सबसे पहले आदमी सोचता है संकट में कोई साथ देगा, जब तक के पैसा ना हो कैसे व्यवस्था हो, और उससे पहले भोजन की चिंता होती है। ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता है, खाद्य विभाग भाई अमरजीत को मैंने दिया और उन्होंने 3 महीने के भीतर ही सारे राशन कार्ड आधार कार्ड से जोड़ दिया, कोई फर्जीवाड़ा नहीं, 98% राशन कार्ड आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। और केवल गरीब नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए सभी का राशन कार्ड बना। जब कोरोना काल था, जो बाहर से आए जिसके पास राशन कार्ड नहीं था तत्काल बनाया गया, जो छूट गए थे उसका तत्काल बनाया गया। उमेश पटेल जी, राठिया जी मुझे फोन करते थे कि हाँ कुछ लोग बच गए हैं, राशन कार्ड जरूरी है। हमने तत्काल कलेक्टर को निर्देश दिया कि उसे राशन कार्ड न केवल देना है बल्कि उसमें राशन भी देना है, और 3 महीने का राशन हमने मुफ्त में बंटवाया, पूरे देश का पहला उदाहरण। ताकि किसी को भी अनाज की कमी न हो, अनाज के कारण से लोग परेशान न हो, संकट में सुख में हो चाहे दुख में हो, ये सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। कोरोना सबसे बढ़िया व्यवस्था, क्वारंटाइन की व्यवस्था हमारे छत्तीसगढ़ के, मैं सभी अधिकारियों को कर्मचारियों को, चाहे वो जिला प्रशासन हो चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे स्वास्थ्य कर्मचारी हो चाहे हमारे खाद्य विभाग के हों चाहे शिक्षा विभाग के हों चाहे वो पंचायत विभाग के हों चाहे वन विभाग के हों, सारे अधिकारियों ने मिल के कर्मचारियों ने जो काम करके दिखाया है, और यही कारण है एक सर्वे हुआ उसमें सबसे बढ़िया कोरोना काल में क्वारंटाइन की व्यवस्था है, तो केवल छत्तीसगढ़ में 22,000 क्वारंटाइन सेंटर हमने बनाया, लोगों को रखा, 7 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, उसके इलाज की व्यवस्था। करना आसान नहीं है, भारत सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी लेकिन लोगों की व्यवस्था के बारे में कोई चिंता नहीं, लेकिन हमारी सरकार ने किया, हमारी सरकार ने, आप देख रहे हैं देश में मंदी का दौर चल रहा है, दुनिया में मंदी का दौर चल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मंदी का असर नहीं है। 2 साल आप देख लीजिए, जहाँ किसानों के ऋण माफी किया, 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी किया, 4000 प्रति मानव बोरा के दर से तेंदुपत्ता खरीदा, समर्थन मूल्य में लघु वनोपज खरीदा, बिजली भी 4 यूनिट तक के आधा किया, उसका फायदा क्या? उसका फायदा ये हुआ कि आम जनता की क्रय शक्ति बढ़ी, उसकी क्षमता बढ़ी। तो जब पैसा रहेगा, अभी दीपावली का सीजन आया, हमने 1500 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाला,
बाजार में रौनक, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, चाहे सोना चांदी की दुकान हो, चाहे जूता चप्पल की दुकान हो, ऐसा कोई दुकान नहीं था। चाहे वो सरगुजा हो, चाहे बस्तर हो, चाहे रायपुर हो, चाहे राजनांदगांव, सभी जगह सभी दुकानों में भीड़। इतनी भीड़ तो दिल्ली में भी हमने नहीं देखा। जो महीने पूछते थे आप किसान के लिए आप कर रहे हैं, किसानों का बोनस दे रहे हैं, गरीबों के लिए मनरेगा काम चल रहा है, आदिवासियों के लिए लघु उपज और तेंदू पत्ता खरीदी व्यवस्था कर रहे हैं, व्यापारी पूछे कि हमारे लिए क्या कर रहे हो आप, मैंने कहा कि आपके जो ग्राहक हैं उसके जेब में पैसे डालने का काम किया है और आज पूरे छत्तीसगढ़ में व्यवसाय व्यापार फल फूल रहा है। मोटरसाइकिल सप्लाई नहीं कर पा रहे, ट्रैक्टर कोरोना काल में सप्लाई नहीं कर पा रहे, इतने ट्रैक्टर की बिक्री हुई, इतने मोटरसाइकिल और कार और जीप की बिक्री हुई, इसके पहले इतिहास में कभी इतना नहीं बिका जितना छत्तीसगढ़ में इन दो वर्षों में बिका है। क्यों? छत्तीसगढ़ के लोगों की जेब में पैसा डालने काम है छत्तीसगढ़ सरकार ने किया, आपकी सरकार ने किया। आज बहुत जरूरत है कि आपके अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। हमने तो ये कुछ लोग हैं गौ भक्त होते हैं, गौ माता की जय हो नारा लगाते हैं, वोट भी मांगते हैं, लेकिन गौ माता की सेवा नहीं करते। कोई तो जानवर मवेशी बेचने जाए उसे पकड़ लेंगे और पैसा वसूलने काम करते हैं, वहां भी पैसा वसूली करते हैं, लेकिन सेवा नहीं करते। छत्तीसगढ़ सरकार है जो गौ माता की सेवा कर रहे हैं, मवेशियों की सेवा कर रहे हैं, और गोबर 2 रुपये किलो में हिंदुस्तान क्या दुनिया में कोई तो सरकार नहीं है जो 2 रुपये किलो में गोबर खरीदे। गौठान का निर्माण करें, इतने गौठान किसी सरकार ने नहीं किया जो हमने किया है। जो गरीब लोग हैं उसकी भी व्यवस्था, चरवाहा है हमारे क्षेत्र में, देख चरवाहा से पूछा कितना कमा लेते महीने में गोबर बेचते, उन्होंने कहा 25,000 रुपये। अभी गोबर से पैसा कमाने सोचे थे, गोबर ट्राली में बिका करती है, लेकिन हमारी सरकारें किलो में खरीद रही है। उसका वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, बनने का काम चल रहा है, बहुत सारे लोगों को उसमें रोजगार भी मिलेगा। तो हमें लोगों में संपन्नता कैसे है, ये हमारी कोशिश। हमारे साइड एक बार बहुत होती, हमने फिर से जिनका छूट गया फिर से फॉरेस्ट पट्टा देना है। निजी पट्टा निजी दावे का होगा ही, सामुदायिक दावा भी हमने किया है। सब गांव के गांव में जो जंगल है गांव वालों के लिए अधिकार क्षेत्र में हो, और इसलिए अभी 1300 गांवों में 5,00,000 हेक्टेयर हमने सामुदायिक दावे को दिया है। मैं जसपुर के इलाके में जानता हूँ, वैदन कुमार पटेल जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो मुझे इस इलाके का प्रभारी मंत्री बनाया था, आरती सिंह जी उसमें जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, ये सब लोग बैठे हैं जसपुर जिले के। मैं इतना दौरा करता था तो ये लोग बोलते थे भैया आप दौरा कम करो, बहुत ज्यादा दौरा आएगा। मैं पूरे इलाके घुमा हुआ, कितना सुंदर वातावरण, कितने बड़े जंगल, यहाँ के नदियों में पानी, यहाँ लीची भी है, यहाँ कटहल भी है, अनेक प्रकार के फल और सब्जियां यहाँ उत्पादन वो भी रहा और किया जा सकता है। यहाँ के जंगलों में हमने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिया है, अब आप सागौन नहीं लगाएंगे यहाँ के जंगलों में, यहाँ के जंगलों में फलदार वृक्ष लगेगा जिससे गाँव के लोगों का आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी, पैसा कमाए उस। और वही जो जिन चीजों का उत्पादन होता है वही फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगे ताकि उसका वैल्यू एडिशन भी हो, पैसा भी कमाए और वैल्यू एडिशन के माध्यम से रोजगार भी मिले। जसपुर के विकास के लिए या तेजी से विकास हो, जिसके बारे में विधायक जी ने जो बात कही कि आपके यहां सन्ना तहसील की मांग बहुत दिन से की जा रही थी,
वो हमने किया, 17 नए पंचायत का गठन भी किया और ये सभी भवन बन के तैयार भी हो गए हैं। साथ ही 8 विकास खंडों में फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए जमीन चिन्हांकित कर ली गई है और वहां जल्दी से जल्दी ये काम शुरू हो। जसपुर के लिए काम बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पहाड़ी, कोरवा, बिरोर जैसे विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग रहते हैं और इनके लिए जंगल पे ही निर्भर रहते हैं, इसलिए यहाँ के काजू, लीची, नाशपाती, चाय, काऊ बहुत ऐसे उपज हैं जो और कहीं नहीं होता, वो हमारे जसपुर इलाके में होता है। जिसमें फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा कीमत हमारे साथियों को मिले। सन्ना में मिर्ची यूनिट की तैयारी चल रही है, वहाँ भी लगाए, मिर्च उत्पादन होगा तो मिर्ची प्रोसेसिंग प्लांट भी वहाँ लगे। उसी प्रकार से बहुत सारे संभावनाएं हैं जिसके दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जिला पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए पिछले साल जब हम लोग कुनकुरी आए थे, यूडी मीन ने 3 दिन तक के कुनकुरी का महोत्सव मनाया था, जसपुर महोत्सव, जसपुर महोत्सव मनाया था, बहुत सारे एडवेंचरस खेल उन्होंने आयोजित करवाया था। यहाँ पूरी संभावना है उसको देखते हुए पर्यटन के दृष्टिकोण से इस जिले को विकसित हम लोग करेंगे। साथ ही विधायक जी ने बहुत सारी मांग की है, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जहाँ इनकम बढ़े वहीं शिक्षा की बहुत जरूरत है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं लेकिन अर्थव्यवस्था, घर की अर्थव्यवस्था इजाजत नहीं देती, इसलिए हमने इस साल 53 इंग्लिश मीडियम स्कूल पूरे प्रदेश में शुरुआत की। आज जसपुर में गया था, जसपुर के 1932 से संचालित स्कूल बिल्कुल जर्जर हो चुका था, जो पहले देखे थे उस स्कूल को और आज जाके देखे, कलेक्टर ने 1 करोड़ रुपया खर्चा करके बिल्कुल जीर्णोद्धार कर दिया, बिल्कुल नया लग रहा है। और वहाँ जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मैं टीचरों से बात किया, 70% पढ़ाई पूरी हो चुकी है। चौथी और पांचवी के जो बच्चे हैं फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं, यहाँ निःशुल्क पढ़ाई होगी। और हमारे जो गरीब लोग हैं, हमारे कम आय मध्यम आयु वर्ग के लोग हैं जो बड़े बड़े इंग्लिश स्कूल मीडियम में नहीं पढ़ा पाते, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करें ताकि हमारे बच्चे भी देश दुनिया में अपने परिवार का, समाज का और इस प्रदेश का नाम रोशन करें। अंत में हमारे विधायक जी ने बहुत सारी मांग की है कि जसपुर से सन्ना के बीच में जो 9 किलोमीटर सड़क बच गया है उसे निर्माण करने की बात कही है, मैं उसकी घोषणा करता हूँ। साथ ही पुलिया निर्माण कार्य पंचायत रेमेन से कोड़गा कोना नीम नदी पर पुलिया निर्माण की बात उन्होंने कही है, उसकी भी स्वीकृति और सन्ना तहसील बना दिया गया है, हॉस्पिटल की मांग उन्होंने की है तो उसमें भी डीएम से उसकी भी स्वीकृति की घोषणा मैं करता हूँ, हॉस्पिटल भी वहाँ बने। रेल महादेव पार्क सन्ना में एक कॉलेज की मांग उन्होंने कही है, अब बजट सत्र आएगा तो देखेंगे। आरती भी बोल रही थी कॉलेज के लिए, बहुत उत्साहित है। ये वैसे भी मैं यहाँ इस जिले में उद्यानिकी महाविद्यालय की घोषणा पहले ही कर दिया है,
तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग एग्रीकल्चर और उद्यानिकी में हम लोगों को बच्चे आगे बढ़ेंगे, उसकी संभावनाएं बहुत है। इसलिए आप चाहते हैं तो वहाँ भी उद्यान के महाविद्यालय आपके कोदवा में और संगम विमान से में हमारे कोरवा बहुल क्षेत्र है, तीरंदाजी केंद्र के भी मांग हमारे विधायक जी ने की है, यहाँ अकेडमी खुले उसकी भी घोषणा करता हूँ। और साथ ही यहाँ सबको आखिरी में जाना है मुक्ति धाम, उसके विकास के लिए भी 40 लाख रुपए की घोषणा मैं करता हूँ। तो इसी के साथ जब आपके जिले में आएंगे तो घोषणा करवाइएगा। हाँ तो आपके जिले में जाएंगे तो घोषणा करेंगे ना। प्रतापगढ़ केरसा से केजू रोड उन्नयन 30 किलोमीटर, इसके भी घोषणा मैं करता हूँ। इन्हीं के साथ शब्दों के साथ आपने जो आत्मी स्वागत किया है, स्नेह दिया है, उसके लिए चल रहा है उसका सही ढंग से क्रियान्वयन हो और सभी गरीब से गरीब किसान भी अपना धान बेच बेच सके, रजिस्ट्रेशन कराए, उनके विशेष ध्यान हमारे सभी जनप्रतिनिधि संगठन के लोग और प्रशासन के लोग देखें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़। जय धन्यवाद। सब कुछ